दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीजी में स्नातक की BSc नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए राउंड थ्री जो काउंसलिंग हो रही है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन किन बच्चों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है और कहाँ उनको पहुँचना है और किन किन डेट्स पे किन किन कैटेगरीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जिन्होंने राउंड टू में अपग्रेड के लिए लगाया था तो उनको भी दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है या नहीं आना है, तो वो भी सारी जानकारी आपको देंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो जो 28 अक्टूबर को जिन कोर्सेज की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उनमें MSc नर्सिंग कोर्स है, NPCC एंड MPT कोर्सेज और UG में BSc नर्सिंग, BPT और पैरामेडिकल कोर्सेज की होगी। तो MSc नर्सिंग, NPCC और MPT कोर्स के लिए तो सभी कैटेगरीज के लिए आपको 8 बजे सुबह और 11 बजे पहुंचना है। फिर UG जो कोर्सेज हैं उनके लिए जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 12 बजे के बाद शुरू होगा। BC ABC भी कैटेगरी का सबसे पहले होगा 12 बजे। फिर SC और प्राइवेट SC कैटेगरी का 1 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर इन सर्विस EWS, PWBD और NRI कैटेगरीज के लिए 2 बजे का टाइम रखा गया है। फिर 29 अक्टूबर को पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की और UG कोर्सेज में जिनका एडमिशन हुआ, चाहे BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल कोर्सेज में ओपन कैटेगरी में, उनको तो 12 बजे आना है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैंडिडेट को सुबह 8 बजे पहुँचना है सुसूत्रा ऑडिटोरियम PGMS रोहतक, ठीक है। फिर 30 अक्टूबर को UG के जितने भी जिनको मैनेजमेंट कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट हुई उनको सुबह 8 बजे सुसूत्रा ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है। सुसूत्रा ऑडिटोरियम पंडित BD शर्मा UHS रोहतक आपका इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू रहेगा। और जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, जो कैंडिडेट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे उन्हें उसी टाइम उससे अगले दिन अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कर देंगे जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ। और जो स्टूडेंट्स 30 अक्टूबर को आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका ऑन द स्पॉट ज्वाइन होगी, वहीं आपको जो कंसर्न कॉलेज होगा वहां उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा के अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार से आपकी ये काउंसलिंग प्रोसेस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 30 अक्टूबर को। अब बात करते हैं कौन से बच्चों को आना होगा। जिन स्टूडेंट्स को राउंड 3 में पहली बार सीट मिली है उनको सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। जिन स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेड हुई है, लास्ट राउंड में कोई और सीट थी इस बार अपग्रेड हो गई, उनको मनपसंद मिली हो चाहे ना मिली हो, राउंड थ्री में जिनकी अपग्रेड हुई सीट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट का नो चेंज इन राउंड 3 ऑफ सीट्स जिनमें कैंडिडेट का, उनको भी उनको सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले जमा करा रखे हैं उसकी रिसिप्ट लेके आनी है सिर्फ, क्योंकि राउंड 2 में उनका पहले ही एडमिशन हो चुका है। जिनका कोई भी पिछले जो एडमिशन था राउंड 2 में वही सेम कोर्स में एडमिशन रहा है, नो चेंज लिखा है, लेकिन उनको आना ज़रूरी है। उनको सिर्फ जो उनको रिसिप्ट दे रखी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके जमा है वो रिसिप्ट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के पास आना है, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं रह जाता है। तो ये आपका सारा अपडेट था। तो 28, 29 और 30 अक्टूबर 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, MPT, NPCC कोर्सेज और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं सुसूत्रा ऑडिटोरियम पंडित BD शर्मा UHS रोहतक में आपका ये होगा। और टाइमिंग भी आपको इसमें दे रखा है। बाकी आपका कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।